मैक्वेरी की एक रिपोर्ट में ऐसा कहा जा रहा है कि रिटेल एनपीएस में स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है सो दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर बैंकिंग एंड एन सो so, उन्होंने क्या कहा है उन्होंने ये कहा है कि रिटेल एनपीएस जो है वो टू परसेंट से बढ़ के फोर परसेंट हो सकते हैं आने वाले क्वार्टर में हम हमेशा आप लोगों से बात करते हुए बताते थे कि क्यों ये बैंक्स हो या फिर एनबीएफ हो अपना कैपिटल एडिक्सी रेशियो बढ़ा रहे हैं सो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे आर इंक्रीजिंग देयर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज वाई बिकॉज एट टाइम्स अगर और ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ती है सो दे शुड बी रेडी विद द कैपिटल दैट्स दैट दे आर ट्राइंग

प्री कोविड लेवल जब थे तब ये अराउंड 25 फाइव टू थर्टी परसेंट के ये बाउंस रेट्स होते थे तो ये बाउंस रेट्स यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे अभी ये इंटर बैंक बाउंस रेट्स की बात हम यहाँ पे कर रहे दिस इज नॉट कि अगर उसी बैंक में आपका लोन है और अकाउंट भी उसी में है सो दिस डेटा डजेंट शो दैट सो दैट इज अ लिटिल बिट ऑफ सिल्वर लाइनिंग तो यहां पे अगर हम प्रोविजनिंग का नंबर देखते हैं तो डेफिनेटली लास्ट दो क्वार्टर्स में जिस तरीके से प्रोविजनिंग की गई है की की तरफ से, की तरफ से से so kind of कि आने वाले एक दो क्वार्टर्स में सिचुएशन खराब हो सकती है दैट्स वाई दिस इज नॉट एन अलार्मिंग सिचुएशन बट सिचुएशन टू वॉच तो आई होप कि ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा और ऐसे वीडियोज के लिए इस चैनल पर बने रही और वीडियो को लाइक करना वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों जय हिंद